हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू कैस आर डूइंग जॉली वेरी वेल तो ये होने वाला एक मेकअप ट्यूटोरियल जो कि बहुत पहले से शूट था इसको मैंने लाइक आगे वॉइस ओवर वगैरह सब कुछ कर रखा था लेकिन वही एक दो वीडियो में ऐसे ही ग्लिच हुआ था कि मेरे वॉइस जो है वीडियो से चली गई थी मतलब ऑडियो जो है चली गई थी इसलिए मैं इसको दोबारा से एडिट करके फिर पोस्ट कर रही हूँ तब मेरे बाल भी जो है भी लंबे थे मैंने कट नहीं किए थे यानी आप सोच सकती है जुलाई की पहले की वीडियो है पर मैंने सोचा मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ वाई टू वेस्ट अ वीडियो तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइमर लगाई ये फेस्टिव मेकअप लुक ट्यूटोरियल है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइमर लगाया है अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने स्किन में उसके बाद मैं यहाँ पे दो फाउंडेशन मिक्स करके लगा रही हूँ ईबा कॉस्मेटिक्स का और इनसाइड का लेकिन मुझे ईबा वाला जो है पसंद नहीं आया क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था मैंने ब्रश के हेल्प से भी किया स्पॉज के हेल्प से भी किया लेकिन वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था इसलिए मैं तब मैं अपना रिव्यू दूँगी तो बहुत ही बेकार है मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये पूरी की पूरी वो बॉटल वैसे ही पड़ी है फिर इसलिए मैंने सेकेंड कोट लगाया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ही और उसको अच्छे से लगा करके ब्लेंड किया सस्ते में बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है गाइस डू लाइक चेकआउट इन साइड फाउंडेशन और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आप उसको बिल्ड कर सकते हो आ, सेमी कवरेज है उसका बिल्ड कर सकते हो आप उसको एक दो लेयर लगा के उसके बाद मैं यहाँ पर मेबलिन फिटमे का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो भी मतलब मेरे पॉइंट्स हैं उनको कवर कर रही हूँ उसके बाद उसको मैं अच्छे से ब्रश के हेल्प से उसको ब्लेंड कर लूँगी तो जब भी आप कंसीलर लगाओ तो उसको आप बहुत ज़्यादा ड्रैग मत करो जहाँ जहाँ आप लगा रहे हो आप उसको वहीं वहीं पे पोजीशन पे ब्लेंड करो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो और ब्रश के भी हेल्प से कर सकते हो बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि आ, मैं अपने ससुराल में हूँ और अभी यहाँ पर है कि कुछ ना कुछ नॉइज़ जो है वो आ ही रही है तो आप उसको अच्छे से जो है उसको ब्लेंड कर लीजिए अचानक से इतनी शांति हो गई कि घड़ी की भी टिक टिक सुनाई दे रही होगी आपको फिर मैंने यहाँ पे कॉन्टोर किया है तो उसके लिए मैंने एक ब्रश को ले लिया एंड उसको नोज़ के मिडल uh, में रख लिया एंड इसके साइड साइड में मैं कॉन्टोर जो है लगा लूँगी और ब्रश की हेल्प से उसको आउटवर्ड uh, डायरेक्शन में जो है ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से ऐसे नोज़ जो है आपकी काफ़ी प्रसाइज़ लगती है काफ़ी अच्छी लगती है उसी ब्रश के हेल्प से ही मैं लगाऊंगी जैसे अगर आप बिगनर हो आपको कॉन्टोरिंग समझ में नहीं आती आप कहाँ पे लगाओ तो आप ये प्रोसेस जो है ट्राई कर सकते हो काफ़ी अच्छा है एंड uh, यहाँ पे मैंने उसको पूरे अपने चीक बोन के पास रख करके उसको अच्छे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ब्लेंड कर लिया है टू गिव अ शार्प लुक लुक उसके बाद जो आपकी जॉ लाइन है वहाँ वाला भी जो है आपको इन वर्ड में जो है मतलब नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो शार्प एंड एजी लगे थोड़ा सा आप डिफरेंस जो है देख सकते हो और उसी तरह मैंने दूसरे साइड भी जो है ब्लेंड कर लिया है एंड उसके बाद मैं लूज़ पाउडर ले करके थोड़ा सा पाँच सेकेंड के लिए अपने स्किन को जो है अच्छे से सेट कर लूँगी और यहाँ पे बिल्कुल शांति नहीं हो सकती एक पल शांति होती है और दूसरे पल तो हल्ला तो होने लगता है तो मैं जो है हल्का हल्का पाउडर लगाती हूँ क्योंकि बहुत फिर पाउडर में अगर ज़्यादा लगाती हूँ ना तो क्रीज़ होने लगता है तो मैं हल्का सा लगा के पाँच सेकंड वेट करूँगी तब तक मैं अपनी जो है आईब्राउज कर लूँगी और आई में मैं वैसे ही करती हूँ जो गैप्स होते हैं उनमें जो है छोटे छोटे स्ट्रोक्स दे देती हूँ और और मेरी जो दोनों आईब्रोज है ना दोनों डिफरेंट है मैं हमेशा पार्लर में भी बनवाती हूँ फिर भी मेरी हमेशा आईब्राउज़ जो हैं वो एकदम डिफरेंट लगती हैं दोनों की दोनों अलग तरक्की की लगती हैं और उसके बाद मैं अच्छे से उसको ब्रश कर लूँगी उसके बाद जब तक मैंने अपने आईब्रोज़ को सेट किया उसके बाद मैं अपने पाउडर को भी जो है अच्छे से आ, सेट कर लूँगी पूरे फेस पे जो है उसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और जैसा कि आप बहुत ही विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं मेरे आई में और मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से आ, बनाया भी अभी वीडियो में ना वो मैंने उसको दूसरे साइड बनाना ही मैं भूल गई थी फिर मैं उसके बाद मैं ब्लश लगा रही हूँ आप ब्लू हेवन का मैं शेड जो है नेम मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको अच्छे से आ, मैं ब्लेंड कर लूँगी और आप क्रीम ब्लश भी लगा सकते हो जैसे आपकी प्रेफरेंस है पर मुझे ज़्यादातर पाउडर ब्लश ही पसंद है और अभी धीरे धीरे थोड़ी मैं इंक्लाइंड हो रही हूँ मतलब क्रीम ब्लश या फिर चीक टीन्स की तरफ उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का पैलेट लिया मैं पहले एक नॉर्मल न्यूड शेड लेकर के पूरा एक ट्रांजिशन शेड बना लूँगी अपने आईलेट्स पर जो है पूरे अच्छे से इनवर्ड डायरेक्शन में लगाते मतलब लगा करके के उसको इनवर्ड डायरेक्शन में जो है ब्लेंड करती जाऊंगी सॉरी आउटवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करने के बाद इनवर्ड डायरेक्शन में जो है मैं उसको ब्लेंड करती जाऊंगी अच्छे से दोनों आइज मैं वैसे ही बना लूँगी और मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी क्रीज़ वाला आ, आई लुक करने के लिए और मैं ऐसे फर्स्ट टाइम जो है वो कर रही हूँ उसके बाद मैंने मास्क का ये पैलेट ले करके उसमें से एक ये पिंक शेड लेकर के सिर्फ आउटर इनर कॉर्नर पे जो है लगाया है और उसको हल्का हल्का इनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड किया है बहुत ही पिगमेंटेड आई शेडो है बहुत ही बहुत ही अच्छा भी है एंड पिगमेंटेड भी है और बहुत ही डस्ट ऑफ नहीं होता है काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है फिर मैंने थोड़ा सा कंसीलर ले करके अपने हाफ क्रीज़ पर जो है उसको लगाया है उसके ऊपर आप ग्लिटर लगा सकते हो मैंने कहा इस फर्स्ट टाइम क्रीज़ जो है करने की कोशिश करी है एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मैं जो बस ट्राई करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ या फिर जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है जैसा मैं करती हूँ मैं वैसा बस शेयर करती हूँ मैंने कभी भी क्लेम नहीं किया है कि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो आपको मुझसे ही सीखना चाहिए या जो कुछ भी है मैं जो मेकअप करती हूँ जैसा करती हूँ मैं वैसा ही आपके साथ शेयर करती हूँ तो यहाँ पर मैंने क्रीज़ पे हाफ लगाने के बाद उसके बाद मैं उस पर ग्लिटर्स लगा रही हूँ उसी मास पैलेट में से मैंने गोल्डन शेड जो है थोड़ा ब्राउन्जी गोल्डन है उसको लेकर के उसके ऊपर जो है प्लेस करूँगी और आपको इन इंटेंसिफाई करना है जितना आप चाहते हो मतलब जितना ग्लिटर आप चाहते हो उसके बाद आ, मैंने ब्रश पे कुछ भी आई पिक नहीं किया है बस हल्का सा उसको ब्लेंड कर रही हूँ फिर मैंने वही पिंक वाला शेड जो है ले करके उसको ब्लेंड कर लिया है क्योंकि वो हार्श लाइन थोड़ी सी ऐसे विजिबल हो रही थी तो फिर मैंने उसको जब ब्लेंड कर लिया तो वो फिर काफ़ी अच्छा लगने फिर मैंने वही पिंक शेड ब्रश में लेकर के एक जो है अपनी लोअर वाटर लाइन के नीचे जो है मैंने हल्का हल्का प्लेस कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी वाले पैलेट में से पिंक ग्लिटर ले करके के जो हार्श लाइन हो रही थी ना उस पर मैं प्लेस कर ली आ, ताकि जो जो लाइन जैसा इफ़ेक्ट आ रहा था ना बीच में से वो जो अच्छा नहीं लग रहा था वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है और ऑफ़ स्क्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा था कैमरे पे थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो रहा था लाइन लेकिन उसके बाद जब मैंने पिंक लीटर लगा लिया उसके बाद बिल्कुल नहीं हो रहा था फिर मैंने जो है यहाँ पे आईलाइनर लगाया है और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ आईलाइनर मुझे ज़्यादा आ, काजल वाला लुक पसंद है बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लगाया क्योंकि मैं मोस्टली काजल वाला लुक ही करती हूँ तो यहाँ पे मैंने आई लगाया हल्का विंग लगाया है मुझे बहुत ज़्यादा विंग पसंद नहीं है मैंने बस हल्का सा विंग निकाल करके लगाया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मेबल इनको लॉसल का मस्कारा लगा रही हूँ मुझे ये बहुत पसंद है मैं यहाँ फेक लाशेज नहीं लगा रही हूँ आप लगा सकते हैं आप चाहें तो और अच्छे से उसको मैं कोट कर लूँगी और ये एक दो स्वाइप में ही बहुत अच्छा कोट जो है आपके लैशेज को मतलब एकदम अपलिफ्ट कर देता है बहुत अच्छा है मतलब बाई फार मेरा मोस्ट फेवरेट मस्कारा है मे के सारे मतलब मस्कारे बहुत अच्छे हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्राउन न्यूड लिप लाइनर ले करके जो है मैंने अपने लिप्स को जो है आउटलाइन कर लिया लिप्स आउटलाइन करने से ना बहुत ही जो आपकी लिपस्टिक होती है ना एकदम उभर के आती है जब और आप अंदर कोई भी लाइटर शेड लगाते हो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है आजकल ट्रेंड में भी है थोड़ा सा लिप्स को आउटलाइन करके और अंदर लाइट लिपस्टिक आमरे इफेक्ट दे करके करने का एंड uh, मैं जब तक दो लिपस्टिक मिक्स ना करूँ मुझे सुकून ही नहीं मिलता इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा तो सा डार्क पिंक लिपस्टिक को जो है ले करके अच्छे से ब्रश uh, के हेल्प से दोनों को ब्लेंड कर लिया है एंड काफ़ी सुंदर कलर निकल जाता है जब यूजली मैं दो लिपस्टिक ब्लेंड करती हूँ तो और उसके बाद मैं जो है हाई लगाऊंगी सारे हाई पॉइंट्स पर uh, अपने चीक बोन्स पर और uh, क्यूपिड बो पे और नोज़ पे और मतलब जहाँ जहाँ आपको बेसिकली चमकाना है अपने स्किन को और लास्ट में मेकअप को सेट करने के लिए हम लेंगे सेटिंग स्प्रे एंड ले करके मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको तो डैप कर लेती हूँ ताकि जो अच्छे से मेकअप मेरा अच्छे से एकदम सेट हो जाए परफेक्टली और फिर कोई आप आ, ग्लिटरी शेड लेके शैम्पिन कलर का या कोई भी लेकर के थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे लगा लो उससे आपकी जो आइज़ होती है ना एकदम ओपन अप हो जाती हैं और ब्राउ बोन पे भी लगा लो उससे एकदम आपका मेकअप लुक अच्छा लगता है एंड फिर मैंने अपने हेयर जो किए हैं बेसिक हेयर है किया है मैंने मिडल पार्टीशन करके आपको बस ट्विस्ट 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 करना है अपने बालों को और पीछे जो है अच्छे से बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लीजिए और थोड़ा सा आगे से पुल आउट कर लीजिए ताकि थोड़ा सा पफ़ी लुक आए एंड उस टाइम मेरे लॉन्ग हेयर थे गाइज़ तो हेयर स्टाइल मैं बना रही थी और बस मैंने एकदम सिंपल हेयर स्टाइल करी है और ये मैंने जो है आ, ब्लाउज़ पहन लिया ये ब्लाउज़ मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया काफ़ी अच्छा है बहुत ही सुंदर सा एंड मैंने फिर सिंदूर लगा लिया बिंदी लगा ली एंड ये वाली जो है साड़ी वेयर कर फिर मैंने एक ईयर पहनी है जो मैं सरोजनी नगर से लाई थी एंड टड़ा मेरा लुक जो है एकदम कंप्लीट हो गया और आप इसको थोड़ा सा और एम्पअप कर सकते हो आप इसका लाइक अगर आपके पास जूलरी की सेट है आप वो सेट भी पहन सकते हो ये सेट वाली थी पर मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ ईयर पहन करके दिखाया है फिर मैं ये आपको पूरा सेट भी पहन के दिखा दे रही हूँ इस तरह भी पहन लेंगे तो आपका फेस्टिव लुक पूरा हो जाएगा लाइक आपको वेडिंग में मेकअप करना है तो आप ऐसे करके जा सकते हैं ऐसे रेडी हो करके आई होप गाइज आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को जो है लाइक कर देना शेयर कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हेल्प सुपरसून बान न्यू वीडियो टिल दें बाय टेक केयर गाइज़